Good morning, everyone. Welcome in SJPS online classes. Our today's subject is English, and today we will learn only poem, Ten Little Froggies. बच्चों आज की क्लास में हमें only poem learn करनी है ना? Poem को मैं हिंदी में explain कर रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद उस poem को कैसे learn करना है वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? और ये पोयम आप सभी बच्चों को लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि आई विल आस्क यू इन लाइव क्लास. ओके, मैं कल के लाइव क्लास में आपसे ये पोयम पूछने वाली हूँ, इसलिए आप सब अच्छे से लर्न करेंगे. टेन लिटिल फ्रॉगेज. बच्चों टेन लिटिल फ्रॉगेज का मतलब होता है 10 छोटे छोटे मेंढक. टेन लिटिल फ्रॉग इज स्विमिंग इन द पूल. Come, said the water rat. Let's go to school. Come and learn your tables. Now sit in a row. बच्चों 10 छोटे छोटे मेंढक जो है वो यहाँ देखिए तालाब में तैर रहे हैं. एक वाटर रेट आता है उनके पास और वो कहता है कि चलो स्कूल चलो, और स्कूल में एक लाइन में बैठकर टेबल, यानी कि मैथ्स में आप बच्चों टेबल लर्न करते हैं ना, जिनको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं. तो रेट कहता है, चूहा कहता है कि चलो और स्कूल चलकर एक लाइन में बैठकर टेबल लर्न करो, पहाड़े याद करो. बट ऑल द लिटिल फ्रॉगेस सेड नो नो नो. लेकिन वो सारे चूहे जो सारे मेंढक जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें टेबल याद नहीं करने हैं. टेन लिटिल फ्रॉग इज डाइविंग इन एंड आउट. वो सारे मेंढक अंदर और बाहर पानी में डुबकी लगा रहे हैं. जंपिंग डांसिंग ऑल अराउंड, और चारों ओर इधर उधर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं. कम सेट द मदर फ्रॉग, डिनर इज रेडी. और मदर फ्रॉग यानी कि उन सारे मेंढक की मम्मा, ये मदर फ्रॉग है, और ये कहती है कि चलो खाना तैयार है. डिनर, डिनर मीन्स रात का खाना. All the little froggies said, "Who we are also ready." और सारे मेंढक कहते हैं कि हाँ हम भी तैयार हैं. तो बच्चों ये आपको पोएम का हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम इसको कैसे याद करना है उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं. Also.